अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर कर रहे हैं माई किटी कैट, मेरी किटी बिल्ली। माई किटी कैट इज ब्लैक एंड वाइट। मेरे साथ दोहराए, माई किटी कैट इज ब्लैक एंड वाइट। मेरी बिल्ली का रंग काला और सफेद है। ही स्लीप्स ऑल डे। वो सारा दिन सोती है। आपको पता है कि शी जो है वो प्रोनाउन है, बिल्ली की जगह हमने शी का इस्तेमाल किया। एंड प्ले ऑल नाइट, और तमाम रात को खेलती है। एट डॉन शी नोज वेयर टू बी फेड। सुबह के वक्त उसे पता होता है कि उसे कहाँ खाना मिलेगा। वॉक अटॉप माई स्लीपी हेड। मेरे सोते हुए सर पर चलती है। वंस शी फाइनली गेट्स हर फूड। जब आखिरकार उसे उसका खाना मिल जाता है। शी सून अडॉप्ट्स अ हैप्पी मूड। जल्द ही वो खुश मिजाज हो जाती है। देन इन द चेयर शी लाइक्स द बेस्ट। फिर अपनी पसंदीदा कुर्सी पर जा बैठती है। शी स्ट्रेचिज आउट टू टेक अ रेस्ट। वो आराम करने के लिए फैल कर लेट जाती है। तो ये हमने पूरी पोएम कर ली। अब हम इसके कुछ आसान मुश्किल जो अल्फाज हैं उनका मानी देखते हैं। ब्लैक काले को कहते हैं, काला रंग ब्लैक, और सफेद जो है वाइट, इंग्लिश में वाइट और उर्दू में सफेद। स्लीप कहते हैं सोने को, सोना इज स्लीप इन इंग्लिश। डे जब सूरज निकलता है, और नाइट जब रात हो जाती है। प्ले खेलना, बिल्ली जो है वो खेलना पसंद करती है। डॉन, डॉन जो है वो सूरज तलू होने को कहते हैं। जब रात सुबह दिन निकलता है तो सूरज हमें ऊपर चढ़ता हुआ लगता है। नोज जानना, आपको पता है कि इसमें के जो है वो साइलेंट होता है, यानी उसकी साउंड नहीं होती, लेकिन स्पेलिंग में KNOWS को नोज कहते हैं, जानना, लेकिन पढ़ने में के की साउंड नहीं होती। ऐसे अल्फाज को साइलेंट कहते हैं। वॉक्स चलना, बिल्ली चलती है। अटॉप ऊपर, जैसे वो सर के ऊपर बैठी है। एडॉप्ट इख्तियार करना, और स्ट्रेचेस जैसे हम अपने थक जाते हैं तो अपने टांगे और बाजू जो है वो स्ट्रेच करते हैं, फैलाते हैं, तो स्ट्रेचेस को कहते हैं फैलना। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।